अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लंदन से सवाल आया है, नाम है फारिक। इनका सवाल है कि यूके में जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, अप्लाइंग परफ्यूम हैज़ एन अल्कोहल इज परमिसेबल। हाउस बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। उनका सवाल यह है कि लंदन में रहते हैं और अप्लाइंग अल्कोहल परफ्यूम। अच्छा, इनका सवाल ये है कि जो अल्कोहल वगैरह के जो परफ्यूम होते हैं, क्या ये यूज़ करना जायज़ है। अच्छा, इसके ऊपर ना काफ़ी स्कॉलर्स वगैरह का इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कुछ लोग कुछ स्कॉलर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं कि परमिसेबल है, कुछ कहते हैं हराम है, कुछ कहते हैं इट्स ओके, कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं है, मकरूह है, फलाना फलाना। सब एक अपना ओपिनियन है, सो आई विल गिव माई ओन ओपिनियन। लेकिन अगर सूरत मादा की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाया या लज़ीना आमनु इन्नमल खमर वल मैसर वंसाब वल अज़लाम रिज्म मिन अम्र शैतान फजतनबू लअल्लकुम तुफ्लहून। अच्छा, जो इंटॉक्सिकेशंस हैं इसमें अल्कोहल भी शामिल है। अच्छा, हम जो परफ्यूम्स वगैरह लेते हैं जो नॉन अल्कोहलिक है, ये मोस्टली मिलते हैं अरबिक स्टोर्स वगैरह से मिलते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह हैं, इसमें मोस्टली मेथनॉल और अल्कोहल वगैरह यूज़ किया जाता है। अब ये जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, अगर आर्टिफिशियली भी ये अल्कोहल बनाया जाता है, तो हम उसकी देखें कि इसमें कितने परसेंटेज है परफ्यूम में। दिस इज़ द मेजर पार्ट एक्चुअली, कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस परफ्यूम में कितने परसेंटेज ऐड किया हुआ है, एंड व्हाट टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज़ दैट, एंड व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज़ दैट। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दैट टू तो फाइनली मेक अ जजमेंट कि इज़ इट एबल टू वी कैन यूज़ दैट और वी कैन यूज़ दैट। अच्छा, ये भी होता है कि अगर नॉन अल्कोहलिक है, अगर सब्जेक्ट के परफ्यूम नॉन अल्कोहलिक है लेकिन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्मेल, ठीक है, हम ये भी एक इजाज़त नहीं है हम कि ऐसी परफ्यूम को यूज़ करें। औरत के लिए तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, लेकिन एक मर्दों के लिए भी ये चीज़ें इजाज़त नहीं है। आप समझिए कि जो शख्स एक नमाज़ पढ़ने वाला है, वो मस्जिद में जा रहा है, इस किस्म की परफ्यूम लगा के, आप समझें कि एक तो वो ख़ुद तो नमाज़ पढ़ ही रहा है, उसके लिए तो वो एक परफ्यूम के लिए यूज्ड हो गया। लेकिन अगर वो मस्जिद में जा रहा है, आप समझें कि वहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं या दूसरे लोग भी नमाज़ पढ़ने आए हैं, अब उसके जो एक हैवी डोज परफ्यूम है, उसकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, कितने लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं एक शख्स की गलत। अच्छा, वो परफ्यूम भी हो या कोई बैड फ्रेगरेंस हो या कोई बैड स्मेल हो, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट एंड दैट डिस्टर्ब अदर पीपल व्हाइल समबडी इज प्रेइंग इन द मस्जिद, तो एक शख्स की वजह से कितने लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये तो थी आम परफ्यूम वगैरह, ठीक है, अब ये बात आ गई कि अल्कोहल वाले परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, नहीं, अल्कोहल वाले परफ्यूम को यूज़ करना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें अल्कोहल नेचुरली होता है और जो अल्कोहल वाली होती है नेचुरली इट गिव्स अ मोर अट्रैक्शन टू नॉन महरम एंड अदर पीपल, तो एंड ऑल्सो वाइल्ड प्रेइंग इट डिस्ट्रैक्ट अदर पीपल ऑल्सो। और आप एक हराम चीज़ को समझे कि आप ऊपर लगा के आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये कैसी जायज़ हो सकती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो ख़वातीन हमारी बहनें हैं, वो परफ्यूम भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं और उसी में नमाज़ पढ़ रही होती हैं। अच्छा, इसी चीज़ को कहा गया है खुशू और खुजू वाली नमाज, जो नमाज में आप इस तरह नमाज़ पढ़ें कि जिसके आपको 100% बाय 100% मार्क्स मिले। अब ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े ठीक नहीं है, आपने परफ्यूम लगाई हुई है, मेकअप लगाया हुआ है, मेहंदी लगाई हुई है, या बालों को ब्राउन बनाया हुआ है या कुछ भी, तो इसमें जो आपकी जो 100 मार्क्स मिले हैं नमाज में, वो कट डाउन होकर पता चलता है कि आपको सिर्फ उसमें से 5% मार्क्स मिले हैं, बाकी 95 आपके बेकार हो गए, क्योंकि आपने खुशू वाली नमाज का आपने जो एक फार्मूला था उसको आपने फॉलो नहीं किया। लेकिन जो इनका सवाल था अल्कोहल वाले जो परफ्यूम है यूज़ कर सकते हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट और एंड टोटली फॉरबिडन। जहाँ पे सवाल आता है जैसे सऊदी वगैरह है, यहाँ पे जो अरबिक कंपनीज वगैरह बनाती हैं, यू कैन ट्रस्ट दिस कंपनीज बिकॉज हमें पता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं। लेकिन ये जहाँ पे ये इंग्लैंड वगैरह है या फॉरेन कंट्रीज़ और जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, वी कैन नॉट ट्रस्ट दैम बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल दे आर यूजिंग, जो उनकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह होती हैं, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग एंड वी आर नॉट 100% श्योर। तो बेसिकली मैं आपको सबको ये चीज़ को मैं रेकमेंड करता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ द परफ्यूम प्लीज़ गो टू सम इस्लामिक स्टोर वेयर नेचुरल आप अतर यूज़ कर लें। और इस तरह भी अतर आते हैं जो बहुत ही बेस्ट होते हैं नॉन इस्लामिक से, लेकिन हमारी जो मुसलमान उम्मत है बहुत ज़्यादा
एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, वो देखते हैं कि जो जो ज़्यादा मशहूर नाम है जैसे कैल्विन क्लाइन वगैरह है, सीके वगैरह है, बहुत से ऐसे नाम वगैरह हैं, इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मैसी से ले लिया, जेज ले लिया, और स्पेशली तो उसे दूसरे लोगों को ये बताते कि हमने ये मैसी से लिया है, हमने ये जैसी पैनी से लिया है, या हमने किसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर से नाम दिया है, और ये कैल्विन क्लाइन का है, और ये मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम किसी एक इस्लामिक स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत सा फ्लेवर वाला एक नॉन अल्कोहलिक अतर यूज़ कर सकते हैं। और उनके पास ये नहीं कि सिर्फ ये कैल्विन क्लाइन ही अच्छे बनाते हैं, अफकोर्स के इस्लामिक स्टोर्स वगैरह बनवाते हैं, क्योंकि अफकोर्स सऊदी में भी कंपनीज हैं और दुबई में भी कंपनीज हैं और बहुत सी इजिप्ट वगैरह से भी परफ्यूम्स वगैरह आते हैं। तो आप आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ दैट, क्योंकि माई सेल्फ आई यूज़ दोज फ्लेवर्स जो एक लाइट होते हैं, जो आपके जो समझे कि एक बॉडी से स्मेल वगैरह आते हैं, इट विल नॉट लेट अदर्स डिस्टर्ब योर बॉडी स्मेल, लेकिन ये जो अदर्स वगैरह होते हैं इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग भी ना यूज़ करें कि दूसरे लोग भी वो डिस्ट्रैक्ट हों, उनकी भी नमाजें ख़राब हों। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ अल्कोहलिक परफ्यूम्स एंड बाइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम लाइक लंडन or America or whatever you want, but rather I would suggest you to just go to some Islamic store and buy some type of like a best flavor other that is like a natural made that is more better for you, or ek halal hota hai, sabse badi baat ye hai ki halal hota hai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.